सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर पाए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन। हेलो गाइस, मैं हूं कपिल जागीर और वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम डिस्प्ले रिव्यू करने वाले हैं रेडमी 4F फोन का। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये इस फोन का डिस्प्ले रिव्यू। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें आ रही हो, इस समय छत पर हूं मैं और मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। तो शुरू करते हैं इस फोन का डिस्प्ले रिव्यू। तो इस फोन में का 5 इंच का HD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD डिस्प्ले है जो कि बहुत होता है 5 इंच के लिए। नॉर्मली 5 इंच में HD डिस्प्ले ही देखने को मिलते हैं, कई फोनों में फुल HD देखने को मिल जाते हैं। फुल HD का फायदा ये होता है, फुल HD डिस्प्ले में 4K वीडियो रन कर सकते हैं। HD डिस्प्ले में वीडियो लैग करेगी, वीडियो अटक अटक के चलेगी, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है HD डिस्प्ले की। तो इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसके नीचे आपको 3 बटन मिलेंगे, तीनों टच बटन है और एक आपको बैक का बटन मिलता है, एक होम का बटन मिलता है, एक मेन्यू का बटन और रिसेंट ऐप का बटन मिलता है। तो अब बात करें अगर फ़ोन के ब्राइटनेस की, तो मैं आपको धूप में ले चलता हूँ। तो इस समय तो फ़ोन का ब्राइटनेस एकदम कम है और कैमरे में पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है मोबाइल में सीधे देखने पर धूप में भी। और अगर इसको हम फुल करते हैं तो मेरे ख्याल से फ़ोन में भी नज़र आ रहा होगा, इतना आइडिया मुझे है नहीं। फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम बची है, लेकिन जो डिस्प्ले है मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो गाइस, आपने ये वीडियो देखी, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो पे जो अपने क्वेश्चंस है, अपने जो थॉट्स है या फिर कुछ सजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके, वो जरूर कमेंट करें मेरे वीडियो को फॉर्मेट को और बेटर करने के लिए, ताकि हमारी वीडियो और अच्छी हो पाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और ट्वीट मार कीजिएगा, फेसबुक मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और ट्विटर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।